ग्राम पंचायत छिछोर करौंदी में लोगों के पास खेती न होने से ये दूसरे की खेती अधिया बटिया करते हैं, परंतु ये खेती इनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। फिर भी ये अपनी अज्ञानता के मजबूर होकर ये अधिया बोने में मजबूर हैं। खेत उतवा था? खेत तो नहीं थे, हम बटैया रोपी ना। तो एक बीघा में कितना धान होला? औसत तो तीन मन धान पड़ी है। कि जो खेती करते तू ठीक बाड़ू कि मजदूर ठीक बा का है? खेती जो करते बा तो वो तो ठीक नहीं कि मजदूरे वाला ठीक बाटे का है ऐसे कि वो पैसा कमाता है और वो तनी पैसा कमाता है वो जे तनी हम साल भर और 6 महीना कमाता नहीं तो हम तीन क्विंटल में पावत बाड़े 6 महीना में 6 महीना में आ वो एक ही महीना में 6000 तो बेसी ये पावत बाटे हां तो वो है ना ठीक बा ये तो के ता खेत बाटे नी जी ना तो कैसा धान पिटो तो कहां से बटाई कहले बाबू लोग कितने खेत रोल रोपले रो, रो, लला 15 मणा कितना लागत लगा लला 13.5 तो के कुलका भइले तो पहिला धान अब में सूखा पड़ गए में ट्यूबवेल का पानी एक घंटा 120 रुपया घंटा से रोपनी सोहनी ले ले 49 घंटा पानी चलाओ ले बताओ जब जेकर धान बटले को उनसे कितना धान पोला आ कुल धान 4 क्विंटल भइले 2 क्विंटल पौनी तो आप पता लेके चल गए ना आ जोला पा हम पे कुछ नहीं खे 9,500 रुपया घर से जाता 12,000-10,000 कितना दिन में मेहनत कर ले 6 महीना पे होला केले रला के और परिवार के लोग रबी रहा कुल नाती पोता को रला हां संगे संगे ले कहीं अगर उन रेगा का काम तक 100 दिन मिली तो तू मजदूर ठीक बा कि तू ठीक बड़ा नहीं मजदूरी ठीक बा है तो घरों से जाता ये होता कि आशा पर बैठल कहीं कर कर इस प्रकार किसानों का पूरा परिवार वर्ष भर इन खेतों में व्यस्त रहते हैं। ये अपने श्रम के मूल्य तो कभी जोड़ते ही नहीं, काश ये इनकी खेती का नफा नुकसान को ठीक से समझ पाते। मैं सतेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, इंडिया अनहट के लिए।